राइस ही पता नहीं कौन सा कलर करवा रही है, शायद पता नहीं इसने येलो कलर चूज किया है। तो मैं करा रही हूँ अपना हेयर कट, सारे बाल छोटे हो गए भाई, गंजी लग रही है। मैंने करा लिया है अपना हेयर कलर जो की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज मैं आपको मिल रही हूँ कार में, और आज मैं जा रही हूँ अपना हेयर कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यार। तो मैंने सोचा चलो यार आज निकलते हैं, और आज सैटरडे भी है तो चलो चलते हैं, कुछ चेंज कराते हैं। और साथ में मेरी बहन भी आपको दिख रही है, क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ ही जाते हैं। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ कलर कराने के लिए अपना, और मुझे आज जो है ना कुछ चेंज करना है। मुझे ये बाल अच्छे तो लगते हैं मेरे, मतलब ठीक लगते हैं, पर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं ब्लैक करा लूँ, और उसके बाद फिर मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ चेंज कर लूँ। और उसके बाद अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि यार अगर मैं ये चेंज कराऊंगी तो फिर ये वाला लुक मेरा चला जाएगा, मतलब मुझे दुख भी हो रहा है एक साथ। तो मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूं मैं। एकदम से जब मैं सलून आती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार अच्छे तो लग रहे हैं ये बाल, इसको क्यों चेंज करूं। फिर एकदम से मुझे लगता है कि नहीं यार चेंज करा लेना चाहिए। अब मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ ना कि मुझे लगता समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा ये कवर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कई जी नई न्यू टी शर्ट है जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है बहुत, और ये देखते हैं कि मेरे साथ क्या होता है, मैं कौन सा कलर कराती हूँ क्या नहीं कराती हूँ, समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करवाने वाली हूँ, तो आपको वीडियो में दिखी जाएगा कि क्या होने वाला है आज, पता नहीं, मुझे डर भी लग रहा है कि मैं दूसरे कलर में अच्छी लगूं या नहीं लगूं। यहाँ मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे कौन सा कलर कराना चाहिए, और यहाँ मैंने थोड़ी ही देर में डिसाइड कर भी लिया। गाइस, ये पता नहीं कौन सा कलर करवा रही है, शायद पता नहीं इसने येलो कलर चूज किया, येलो में पता नहीं कौन सा शेड मिक्स करवा रही है, वाइट वाला पता नहीं क्या करवा रही है। तो आपको भी देखने को मिल जाएगा एंड तक, जरूर देखना, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। गाइस, मेरा भी मन था कि मैं कलर करवाऊँ तो हेयर कलर, पर अभी मेरा हेयर कलर जिंदा है इसलिए मैं हेयर कलर नहीं करवाऊंगी। और ये है मेरा आउटफिट आज का, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा है ये आउटफिट। वैसे मैंने अभी ना बहुत अच्छे से कोनी मारी थी, फिर सबने बुराई कर दी, तो इसके बाद मैंने नहीं रखा। और यहाँ पे कलर हो तो चुका है, पर कुछ चीजें बाकी हैं, और इसलिए मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा। तो गाइस, मेरा कलर जो है वो अभी हो चुका है, वैसे कलर मेरे यहाँ पे भी लग गया है, वो कोई बात नहीं है। अभी मेरे कलर को पूरा डन कर दिया गया है, बस इसको वॉश करेंगे। और मैंने आज एक ट्रीटमेंट भी लिया है जो कि मैंने आपको दिखाया ही था अभी, तो वो भी लिया है ताकि थोड़ा डैमेज जो है ना वो सब थोड़ा ठीक हो जाए। बाकी मुझे ख्याल तो अपने बालों का खुद ही रखना होगा। अभी देखते हैं कैसा आता है लुक मेरा। मुझे आगे से थोड़े बैंग्स भी चलाने, क्योंकि मैंने दुबई जाने टाइम ही कराया था, उसके बाद फिर वो बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, तो मुझे वो भी करवाना है, बैंग्स भी कराना है, वो भी करा लेते हैं, फिर देखते हैं कि मैं कैसी लगती हूँ। कई से जो टाइम होता है ना वेट करने का अपने बालों को लेकर, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। वैसे मुझे चाहिए होता है कि कोई हो जिससे मैं बातें कर सकूँ बैठकर, और मैं अपना टाइम ना अपने फ्रेंड या किसी को कॉल करके तब निकाल लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई मुझे देखता होगा कि अकेले खुद से क्या बातें कर रही है, तो उनको कितना फनी लगता होगा कि यार ये खुद से बकवास कर रही है। अब तो इतना लोग समझ गए कि लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ अपना हेयर वॉश करवाने के बाद, और यहाँ पर मुझे लगा था कि पता नहीं मैंने क्या करवा लिया अपने बालों के साथ, देखते हैं यार एंड रिजल्ट आता कैसा है। और अब आ रही है ड्राई होने के बाद थोड़ी सी कटिंग कराने की, और जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे बैंग्स करवाने, तो मैं अभी वो ही करवा रही हूँ। और ये देखो कितनी अलग तरह से हो रही है कटिंग बस, और इस बार जो ये लुक हुआ है ना, ये मेरा सच में फेवरेट है। गाइस, तो अब मैं करा रही हूँ अपना हेयर कट, वो भी बहुत कम, बहुत डर लग रहा है मुझे, कि ज़्यादा ना कहता, लेकिन नहीं इतने नहीं कहेंगे। और कलर मेरा हो चुका है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में कि क्या हुआ है, पहले थोड़ा अच्छे से स्टाइलिंग कर लेती हूँ उसके बाद दिखाऊंगी। चलो हेयर कट करा लेते हैं अपना पीछे से, मैंने आगे से तो करवा लिया है। सारे बाल छोटे हो गए भाई, गंजी लग रही है, सारे बाल कट गए इसके। क्यों बाल नहीं काट रहे हैं, बाल को नीट कर रहे हैं। मेरे बाल नीट नहीं है, बाल बढ़ जाते हैं ना, गंदे बाल। ओके गाइस, मैंने करा लिया है अपना हेयर कलर जो कि है ब्लैक। यस, मैं फाइनली पुराने वाले टाइम पे आ गई हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा। अब आप लोग बताना कि आप लोगों को मैं ब्लैक में कैसी लग रही हूँ, लग रही है नहीं लग रही होंगी तो भी बता देना कि नहीं अच्छी नहीं लग रही हो। मुझे अच्छा लग रहा है भाई, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम बताओ कैसा लग रहा है मेरा कलर? बहुत ही बेस्ट, और मतलब ये मुझे ना ब्लैक स्किन की नीता लग रही है। ओह माय गॉड, ज्यादा ही हो गया, पर ठीक है, मुझे लग रहा है कि मेरा अच्छा कलर है ये। अभी मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी कि ये कैसा लुक आ रहा है इसका। मैंने कटिंग भी करवाई है थोड़ी सी, छोटे भी बाल हो गए मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रोथ तो होगी, और वैसे भी डैमेज हो गया था थोड़ा सा, मतलब कटिंग मैं करवाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और आज मैंने ट्रीटमेंट भी लिया एक साथ ही में। चलो यार, अब मैं थोड़ी सी अपनी फोटोज क्लिक करवा लेती हूँ। तो मेरे हेयर डन तो हो गए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ किन किन ने ये काम किया है, और मेरे बालों को इतना अच्छा किसने बनाया है। अब जब भी लुक्स आओ लुक्स सैलून सीपी में, तो इनसे जरूर मिलना। ये है समीर, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया और मेरे बाल इतने सही हो गए। अब आप बताओ कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। जो आपका प्रीवियस था वो आप बढ़िया, सारा अच्छे हो गए।
की असिस्टेंट हूँ मैं। गाइस तो मैं अभी मिलवाती हूँ आपको उनसे जिन्होंने मेरे बालों पे, मेरे बालों को शुरू से सारा कुछ किया, इतनी बार कलर किया मेरे बालों पे और इतना अच्छा बनाया हर बार और न्यू न्यू लुक दिया है। हाय, माय नेम इज मोहसिन, मैं समीर नली का हेयर स्टाइलिस्ट हूँ लुक सिटी से। कमेंट करके बताएं कि ये डार्क लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि मत कराओ इतना ज्यादा, लेकिन कहा कि नहीं मुझे चेंज के लिए कराना है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं आऊंगी आपके पास कुछ चेंज कराने के लिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है और अच्छा होता है, ये भी अच्छा है। मुझे इतना थैंक यू सो मच, अभी फिर आऊंगी आपके पास जल्दी। तब मुझे लग रही थी भूख तो मैं आ गई KFC, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस घर पे खाया था। उसके बाद यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस चलता है ना कि उसके बाद भूख लग जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं खा कर निकलूंगी घर। चलो अभी कुछ मंगा लेते हैं अपने लिए और फिर खा लेते हैं और फिर मैं चली जाऊंगी घर इसके बाद। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, जल्दी से मुझे बता दो। गाइस मेरा आ चुका है KFC और यम्मी यम्मी खाना। तो गाइस अभी समरीन अम्मी से रिएक्शन लेने वाली है। अम्मी अभी देखा नहीं, अम्मी ने पापा ने खेलते हुए, पापा ने तो कोई रिएक्ट नहीं किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। कौन पागल आ गई है घर में बताऊंगी। पहले से तबियत बेहतर है, मतलब पहले वाला बुरा था क्या? पहले वाला उनको इतना पसंद आया था, ब्लैक जो होता ओरिजिनल ओरिजिनल होता। मम्मी का रिएक्शन ऐसा था कुछ कि मतलब अच्छा लग रहा है। देखो कुछ नोटिस नहीं कर पा रहा है। ब्लैक हाँ ऐसा है, अच्छा है, ज्यादा ब्लैक है। नकली लग रहा है क्या? नकली है असली? ठीक है, इतना होता है यार। भाई सबके रिएक्शन मुझे अच्छे मिले कि हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा तो नहीं, सबने मर मर के जवाब दिया बस। गाइस मक्कू को देखो कैसे सो रहा है, अपने पैरों को कैसे करके सो रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे दो पैर है। इंसान का बच्चा, इंसान का क्यूटी है ये, यारू है सबसे बड़ा। गाइस तो मैं घर आ चुकी हूँ, आप लोगों ने रिएक्शन सबका देख ही लिया और मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बस अब मैं तो खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। अगर मुझे खुद को आप अपना अच्छा समझोगे कि हाँ अच्छे लग रहे हो, तो बस अच्छे लग रहे हो। मन किया तो मैं चेंज करा लूंगी कुछ टाइम बाद, बस तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ सही है, अच्छा है। तो बस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सबने लिए व्लॉग चले से। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सैम स्क्वाड ही बताएंगे मुझे तो कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, मेरी नई रील्स और मेरी सब कुछ पिक्चर देखने के लिए यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, उसको जल्दी से जाओ जाकर फॉलो करो। और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।